चलिए नजर डाल लेते हैं मार्केट की तरफ, कल का मार्केट कैसा रहने वाला है। उससे पहले देख लेते हैं आज का मार्केट कैसा रहा, तो चलिए नजर डाल लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ही पॉइंट देखेगा कि मार्केट जब अगर कल मार्केट यहाँ पे आया था तो मार्केट ने यहाँ से मार्केट कितना नीचे गया। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये पॉइंट है 300 पॉइंट, यहाँ पे मार्केट 300 पॉइंट नीचे गिर गया। एक ही रात में मार्केट निफ्टी फ्यूचर 300 पॉइंट तक नीचे गिर गया। यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया, गैप डाउन ओपनिंग दिया 300 पॉइंट का। तो उसके बाद यहाँ से मार्केट में देखेंगे कैसे यहाँ पे बाइंग की पोजीशन आई, और मार्केट ने पहली कैंडल में यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने पहली कैंडल पे, ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये मार्केट ने पहली कैंडल पे यहाँ पे कितना बनाया पॉइंट, 100 पॉइंट बनाया। ये आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडल है यहाँ से यहाँ की पूरी कैंडल, ये मार्केट ने 100 पॉइंट बनाया पहली कैंडल में। मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने 100 पॉइंट तो ऐसे ही कवर कर लिया, मार्केट में बचा कितना पॉइंट अब 200 पॉइंट। यहाँ पे समझ लेते हैं मार्केट कैसे किस हिसाब से ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे कितने पे 17,780 पे यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से 17,780 से मार्केट आया ऊपर 17,880 के करीब। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया 17,938 के करीब, मार्केट वहां से वापस नीचे की तरफ थोड़ा सेलिंग देखने को मिली, फिर वापस वहां से मार्केट फिर रुका नहीं नीचे आने के लिए, फिर वापस मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता रह गया। फिर यहाँ पे 18,058 के बीच में थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, देन उसके बाद वापस थोड़ा सा नीचे सपोर्ट लिया 18,000। यहाँ पे देखो 18,112 के करीब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पे देखो तो ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट यहाँ पे मार्केट ने इसका हाई मारा, जैसे मार्केट कल में हाई गया था कल के हिसाब से उसी हिसाब से मार्केट आज भी हाई गया और वहीं से मार्केट नीचे की तरफ गिरा। तो ये चीज आपको नोटिस करने की मार्केट यहीं तक गया है, मार्केट यहीं तक गया और यहीं से वापस नीचे गिरा पूरा का पूरा मार्केट, और मार्केट आज भी वापस वैसे ही गया ऊपर की तरफ और मार्केट वहीं से नीचे की तरफ आया। तो मार्केट अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी आज मार्केट में, फिर बाद में वापस मार्केट पूरा का पूरा मार्केट ने कवर कर लिया ऊपर की तरफ देखोगे तो। और मार्केट जैसे यहाँ पे आता ये लाइन पे रेजिस्टेंस है सबसे बड़ा, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो उसी को टच करके वापस मार्केट काफी बार यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस में आता है तो आपको स्टॉप लॉस लेके काम करना है, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है इस हिसाब से देखोगे तो। अभी मार्केट वापस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तभी कल देखेंगे कैसा रहने वाला है मार्केट। तभी तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया 17,000 मतलब 18,000 के करीब मार्केट ने अभी क्लोजिंग दिया आज के दिन 3:30 बजे। तभी कल देखेंगे कैसा रहने वाला है मार्केट। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट में कॉल और पुट की पोजीशन। आज के मार्केट ने तो 300 पॉइंट जो भी गैप डाउन दिया था वापस मार्केट ने पूरा का पूरा रिकवर कर लिया। तो वापस मार्केट फिर 2:20 के करीब मार्केट 2:30 बजे के करीब वापस मार्केट ने रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ आया। वापस मार्केट में यहाँ पर भी सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है 17,978 के करीब, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कॉल और पुट की क्या पोजीशन होने वाली है। तो चलिए नजर डाल लेते हैं कॉल और पुट की पोजीशन की तरफ। आज के मार्केट ने पूरा का पूरा रिकवर कर लिया है, अभी नजर डाल लेंगे कॉल और पुट की क्या पोजीशन रहने वाली है। तो सबसे पहले देख लेंगे यहाँ पे कॉल की पोजीशन क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे नजर डालोगे तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है मार्केट का, मार्केट यहाँ पे 18,000 अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 18,019 के करीब, अगर मार्केट यहाँ पे कल ब्रेक करता है ये लाइन 18,019:20 के करीब, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट है आप देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ऊपर की तरफ आया और वापस मतलब नीचे की तरफ आया, फिर वापस यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। देखे यहाँ पे भी मार्केट आया फिर वापस मार्केट देखे ऊपर की तरफ चला गया, और यहीं पे मार्केट देखे आज भी यहाँ पे आया फिर वापस ऊपर की तरफ चला गया, फिर वापस मार्केट यहीं पे आया फिर वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो आपका ये बड़ा रेंज का सपोर्ट का पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा सपोर्ट का पॉइंट, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है
तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। और कहाँ पे जा सकता है उसका टारगेट आपको बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका पहला टारगेट रहने वाला है यहाँ पे 18,042 के करीब, क्योंकि यहीं से मार्केट नीचे की तरफ गया ना वापस। देखोगे तो यहाँ पे मार्केट जैसे ये लेवल को टच किया यहीं से मार्केट नीचे की तरफ आया। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट, तो आपका पहला टारगेट क्या रहेगा 18,042 के करीब। और यहाँ पे दूसरा टारगेट आपका देख लेते हैं, तो यहाँ पे मार्केट में देखोगे तो आपको दूसरा टारगेट रहने वाला 18,060 के करीब। यहाँ पे आप तब ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गया वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया यहाँ से, तो ये आपका टारगेट का पॉइंट बनेगा 18,060 के करीब। एक और पॉइंट देखिए यहाँ पे मार्केट ये ऊपर की तरफ गया है, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया यहाँ पे, देखोगे तो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया, बट यहाँ पे 18,060 पे आया मार्केट, उसके बाद नीचे आया। तो यहाँ पे देखोगे तो जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया उसके बाद मार्केट ने यहीं पे 18,060 के लाइन पे ही मार्केट ने कंसंट्रेट किया पूरा का पूरा दिन मार्केट कल। तो यहाँ पे ये पॉइंट जैसे रेजिस्टेंस है, तो आपका ये पॉइंट यहाँ पे सपोर्ट बन गया आज की डेट में, तो आपको ये याद रखना है। और आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा 18,060 के करीब। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा टारगेट क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे तीसरा टारगेट आपका एक ये पॉइंट हो जाएगा 18,085 के करीब। तो यहाँ पे देखो तो मार्केट यहीं पे आकर के नीचे की तरफ आया, यहीं पे मार्केट आया वापस यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। तो आपका तीसरा टारगेट होने वाला 18,085 के करीब, कि मार्केट अगर यहाँ पे ये लाइन ब्रेक करता है तो मार्केट 18,085 की तरफ जा सकता है। अगर ये ब्रेक करता है तो 18,044 की तरफ आपका पहला टारगेट, अगर ये ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट होगा आपका 18,060 के करीब। अगर मार्केट 18,060 को ब्रेक करता है तो आपका तीसरा टारगेट बनेगा 18,085 के करीब। तो ये तो हो गए हमारे कॉल के टारगेट। अब देख लेते हैं पुट की पोजीशन क्या होने वाली है हमारी और पुट में क्या टारगेट होने वाले। तो चलिए पुट की तरफ नजर डाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे नीचे की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे अगर मार्केट यहाँ पे, ये बता देता हूँ मैं आपको, अगर मार्केट 17,000 यहाँ पे देखोगे तो, अगर मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट है, अगर मार्केट यहाँ पे 17,000 इसको ब्रेक करता है ये पॉइंट 976 के करीब, अगर मार्केट यहाँ पे 17,976 को ये ब्रेक करता है मार्केट, तो आपकी पुट की पोजीशन बनने वाली। क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बार आया है और रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, फिर वापस मार्केट ने नीचे की तरफ गया हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तो आपका टारगेट नीचे की तरफ बनने वाला। तो आपको मैं टारगेट दे देता हूँ, अगर आपका 17,976 ब्रेक करेगा तो आपका टारगेट क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे आपका पहला टारगेट बनेगा 17,960 के करीब आपका बनने वाला है यहाँ पे पहला टारगेट। छोटा सा टारगेट है आपका 67,65-67 के बीच में आपका पहला टारगेट बनने वाला है, जो यहाँ पे मतलब छोटा मोटा टारगेट लेने वाला है उसके लिए 17,967 के करीब। मार्केट यहीं पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो यहीं पे मार्केट कल सपोर्ट ले सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो ये मार्केट का सपोर्ट भी बन जाएगा कल की डेट में। तो आपको ये देख के चलना है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो अगर कल मार्केट यहाँ पे ये लाइन ब्रेक करता तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक 17,965-67 के करीब। तो आपका दूसरा टारगेट क्या होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा टारगेट बनने वाला है 17,943 के करीब। यहाँ पे देखिए मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मार्केट जैसे यहाँ पे ऊपर गया हुआ, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गया और मार्केट वापस यहीं से सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो आपका टारगेट दूसरा क्या होने वाला 17,043 के करीब। यहाँ पे देखो कि मार्केट ने यहाँ पे भी लिया हुआ है सपोर्ट, ये आपका बड़ा सपोर्ट का पॉइंट हो सकता है कल की डेट में। तो आपकी पुट की पोजीशन में क्या होने वाला है दूसरा टारगेट 17,043 के करीब। अब यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा टारगेट क्या होने वाला है। यहाँ पे तीसरा टारगेट होगा 17,000, यहाँ पे तीसरा टारगेट होगा आपका 17,000 आपका ये टारगेट ले लीजिए, आपका तीसरा टारगेट होगा यहाँ पे, आपका तीसरा टारगेट होगा यहाँ के करीब। आप इसको मान सकते हैं यहाँ पे
ये आपका तीसरा टारगेट होगा, क्योंकि यहीं से मार्केट ने वापस देखे यहाँ पे, ये मार्केट यहाँ पे आया वापस ऊपर की तरफ गया, तो आज की डेट में देखिए मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से वापस देखे यहीं पे कॉन्सेंट्रेट किया, वापस मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता है 17,942 को भी, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से वापस रिटेस्ट ऊपर की तरफ जा सकता है। आपको यहाँ पे टारगेट बना लेना 17,900 के करीब, आपको टारगेट बना लेना 17,905-10 के करीब आपको टारगेट बना लेना है, थोड़ा 5-10 पॉइंट उसके ऊपर के हिसाब से, कि वापस मार्केट यहाँ पे कैंडल एक ना बने उसके ऊपर ही आपको एग्जिट कर जाना है। शायद मार्केट यहीं से ऊपर रिटर्न हो जाए तो आपको इस हिसाब से वापस ऊपर की तरफ चले जाना, तो आपका टारगेट क्या रहेगा 17,905-910 के करीब, तो आपका ये टारगेट हो सकता है यहाँ पे। और टारगेट देख लेते हैं, एक और आपको टारगेट बता देता हूँ मार्केट और कहाँ तक जा सकता है। एक और आपका बनेगा यहाँ पे 17,890 के करीब, क्योंकि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो अगर मार्केट अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है 17,890 के करीब, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे कॉल और पुट की पोजीशन, तो पुट के लिए मैंने आपको क्या क्या टारगेट दिए। आपको अगर मार्केट ब्रेक करता है ये लाइन, तो आपका पहला टारगेट क्या रहेगा 17,967, दूसरा टारगेट क्या रहेगा 17,942, तीसरा टारगेट क्या रहेगा 17,912, और चौथा 17,900 छोटा टारगेट है ये, और उसके नीचे 17,890। तो आपको ये यहाँ पे टारगेट होने वाला है। आपको टारगेट किस हिसाब से मैंने दिए हुए, मार्केट वहां पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पे वहां पे मार्केट आया हुआ, उसके हिसाब से आपके टारगेट यहाँ पे निश्चित किए गए। तो आप ये देख सकते हैं मार्केट जहाँ पे पहले आया था, आप खुद भी ये मेजर कर सकते हैं कि मार्केट किस हिसाब से जाने वाला है। तभी कल देखते हैं मार्केट किस हिसाब से होगा। मैंने आपको कॉल और पुट की पोजीशन दे दी है, तो आपको उस हिसाब से काम करना है। तो देख लेते कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, पूरा किस हिसाब से काम करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा भाई आपने वीडियो देखा और आपको अच्छा लगा वीडियो। ठीक है।